ओके हाय एवरीवन गुड आफ्टरनून वेलकम टू अनअकैडमी अकाडमी नीट गाइज़ आप जानते बेटा हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं छोटी छोटी बातें होती रहती है रात रा आई शुड से बिकॉज आज आई जस्ट इन्फॉर्म यू ऑन टेलीग्राम दैट जैसे ही तीन बजे आई वॉज अबाउट टू हिट इनफैक्ट तीन बजे भी नहीं कल मैंने आपसे बोला था कि यार आज हम जल्दी शुरू करेंगे आज हम 250 फिफ्टी भी शुरू करेंगे लेकिन आज हमारा इंटरनेट यू you नो know, वो गोला सा बन गया वो ट्री नहीं बन के आया तो आज हमारे इंटरनेट ने हमें थोड़ा सा धोखा दे दिया पाँच मिनट पहले बस बंद हो गया जब हमने स्टार्ट करना था अभी जस्ट दोबारा चालू हुआ है बट एनी वे हमें कौन रोक सकता है है ना हम निकले हैं अपने सफर पर कितनी भी मुश्किलें आएंगी वी विल इवेंचुअली क्रॉस टेम एंड वी विल गेट वॉट एवर वी वॉन्टेड है ना हमें चाहिए था कि हमें क्लास लगानी है थोड़ा सा लेट ही सही बट क्लास तो डेफिनेटली लगेगी लगेगी एंड येस सो आई एम ह्योर इन फ्रंट ऑफ यू विद अनदर सेशन ऑफ बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन क्या हो गया था बेटा कुछ नहीं हुआ था इंटरनेट बंद हो गया था अब हम लोग कनेक्टेड हैं बाया दिस इंटरनेट ओनली कभी कभी हो जाता है बहुत इनों सालों में महीनों में एक बार ही नंबर आता है बेचारा वो भी डाउन टाइम ले लेता है हम लोग हमेशा हम भी बीमार हो जाते हैं आज थोड़ा इंटरनेट बीमार हो गए थे लेकिन उसकी बीमारी ज़्यादा लंबी नहीं चली हम हाँ उसकी बीमारी बेटा 10-15 मिनट चली है उसके बाद इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन बाकी हमें पता चलेगा सेशन के दौरान कि यार अभी बीमारी ठीक हुई है कि नहीं हुई बट मुझे लगता है नाउ इट्स फाइन यस दवाई दे दी है ना मैंने दवाई दोगे तो ठीक हो ही जाओगे चलिए तो स्टार्ट करते बेटा बॉडी एंड एंड सर्कुलेशन से वी हैड वीड द पोर्शन ऑफ ब्लड ग्रुपिंग बहुत ही मजा आया आपके साथ ब्लड ग्रुपिंग करने में एरिथ्रोब्लास्टोसिस रिथ्रो ब्लास्टोसार्ल एंडीनर ब्लड ग्रुपिंग के दो दो लॉज हमने डिस्कस किए आई होप बेटा वो लॉज आपको क्लियर है एक बार यार बता दो ब्लड ग्रुपिंग वाला सारा चीज क्लियर हो गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फिटालिस वाला सब कुछ क्लियर है या नहीं है यस बताइए यस ऑन गाइज बताइए इज दिस क्लियर और नॉट बताओ यार कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे आज हाँ ब्लड ग्रुपिंग तुम्हारे ब्लड ग्रुप क्या है एंटीजन क्या है एंटीबॉडी क्या एंड बहुत सारे बच्चे मुझे इतना अच्छा लगा कि कल के सेशन के बाद बहुत सारे बच्चे शाम की स्पेशल क्लास में भी आए थे जिसमें मैंने डाउट्स लिए हैं आपके जो भी यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड थे आई फील रियली गुड कि यार बच्चे जो यूट्यूब क्लास है उसको सीरियसली ले रहे हैं एंड दे आर अटेंडिंग द डाउट सेशन दे आर अटेंडिंग द प्रैक्टिस सेशन जो कि अपना हो रहा है स्पेशल क्लास पे मैं अभी भी सबको बता दूँ बेटा स्पेशल क्लास पे आवर प्रैक्टिस सेशन आर गोइंग ऑन क्लास मैंने पिन करा दी है टाइमिंग्स बेटा है क्लास के सेवन पी अब आप बोलोगे मैम इतनी लेट टाइम रख दिया ये क्लास तो अपनी तीन बजे होती है सात बजे क्यों क्योंकि बेटा अपनी यूट्यूब की एक और क्लास भी तो होती है है ना 5:30 थर्टी पी एम पे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है अभी हमने हार्ट का स्ट्रक्चर करना है एंड साथ ही में वी आर ऑल्सो टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग तो 5:30 की YouTube क्लास के बाद जिसमें मैं ट्वेल्थ करा रही हूँ दिस इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस क्लास जो कि अन अकेडमी के ऐप पर होगी जिसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर करा दिया पिन किया हुआ है तो आई रियली वॉन्ट कि अगर आज के भी आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज आप उस स्पेशल क्लास में आकर जरूर पूछें एंड आज तो मजे वाली क्लास है आज मजेदार क्लास इसीलिए क्योंकि कल तो एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस थे आज जो क्वेश्चंस हैं वो इसी चैप्टर के हैं आज जो क्वेश्चंस है वो बॉडी uh, फ्लूड और रिप्रोडक्शन के होंगे यानी कि जितना पोर्शन कर लिया तुमने मेरे साथ उसका टेस्ट है आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सात बजे ठीक है तो दूध पीते हुए चाहे तुम क्लास ले लेना लेकिन अगर तुम्हें नहीं आया तो मैं समझ जाऊँगी तुम्हें सिर्फ बातें करते थे जो लोग बातें नहीं करते थे वो आज लीडर बोर्ड में रॉक करेंगे जो लोग बेटा यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने आते हैं खाना खाते खाते थोड़ा एंटरटेनमेंट करने आते हैं वो लोग बेटा लीडर बोर्ड में दिखेंगे ही नहीं तो आज का लीडर बोर्ड के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड कि कौन बच्चा आने वाला है क्योंकि आज वही चैप्टर है जो यूट्यूब पर डिस्कस हो रहा है इनफैक्ट अगले तीन दिन यही चलेगा रिपोडक्शन बॉडी फ्लोट रिपोर्डक्शन बॉडी फ्लोट साथ में एक साथ क्वेश्चन आएंगे एंड सब बच्चों का मुझे पता चल जाएगा कौन कौन सी क्लास लगाता है वैसे तो आई नो यू बाई नेम बट मुझे लीडर बोर्ड से और अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाता है कि यार तुम क्या करते हो ठीक है साथ ही में माई न्यू बैचेस दे आर कमिंग अप नया बैच आ रहा है बेटा विद द नेम मेधावी 2.0 जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं 2022 के लिए भी 2023 वालों के लिए भी यानी कि अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर ट्वेल्थ में हैं या फिर इलेवंथ में हैं दिस इज द बैच फॉर यू क्योंकि बेटा यहां पर आपको लाइव क्लासेस मेरे साथ बात करने का मौका कंप्लीट इंटरेक्शन डीपीपीज एंड यू नो जो जो सपोर्ट एक बच्चे को चाहिए होता है कि यार मुझे नोट्स चाहिए नोट्स ले लो डीपीपीज चाहिए डीपीपीज ले लो प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस क्लास ले लो एंड आपको मैम से बात करनी है बात कर लो वन टू वन मेंटोरशिप और बिल्कुल इट इज पॉसिबल इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो आप लोग प्लस भी ले सकते हैं आइकॉनिक भी ले सकते हैं मैं आइकॉनिक पे इसीलिए जोर डालती हूं क्योंकि इस आइकॉनिक के वेन डायग्राम में प्लस तो है ही है सारी लाइव क्लासेस ये सब मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या मिलेगा स्टडी नोट जो कि हार्ड कॉपी में भी मिलेंगे आइकॉनिक वालों को प्लानर पर्सनल गाइडेंस वन टू वन बेटा आप डाउट पूछ सकते हैं अपने मेंटोर से ठीक है सो आईकॉनिक इज सब्सक्रिप्शन जो मेरे ख्याल से आपको लेनी चाहिए और देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ढाली हुए बैच स्टार्ट हुआ है नया बैच तेरह तारीख से आ रहा है तो तेरह तारीख वाले बैच के लिए सब बच्चे जुट जाए तो ट्वेल्व मंथ एटीन मंथ सिक्स मंथ वन ईयर कितने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बट जितना लंबा लोगे उतना ज्यादा अच्छा छः महीने की जगह मेरे ख्याल से आपको ट्वेल्व मंथ मिनिमम लेना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो नीट का पेपर कब होगा ठीक बाकी बेटा कोड यूज कर लेना सीप प्लाइव जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इससे मुझे भी पता चल जाएगा दैट यू गाइज लाइक मी यू गाइज लव मी एंड और पता चल जाएगा और आपको बेनिफिट होगा मॉनिटरी टर्म्स में यू आर गोइंग टू गेट टेन ऑफ ऑन दी टोटल अमाउंट ठीक है तो ये तो बेनिफिट है ही है बाकी बेटा मैम के साथ आप जुड़ के पढ़ते रहेंगे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं एंड दे रियली गुड कल मैंने आपको हमारे बेस्ट रैंक बताया था जो हमारी क्लास में से आया है मेरी क्लास में से आया है दैट इज ऑल इंडिया रैंक 51 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट आकांक्षा ठीक है कल मैंने डिस्कस किया था 92 तो है ही ऑल इंडिया रैंक 92 बट उससे भी आगे वाला 706 वाला 706 बच्चा ऑल इंडिया रैंक 51 तो लास्ट ईयर जब हम इतना अच्छा रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी क्लास में से मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ तो वो बच्चे चाहिए जो कंसिस्टेंट हो जो रोज आए जो रोज होमवर्क करे अटेंड करे कल बच्चों ने होमवर्क भी शेयर किया था मैंने एक होमवर्क दिया था यार आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटलेट में डिफ्रेंशियट करने का डिड यू गाइड डू इट हो इट बताइए किसने करा वो होमवर्क थोड़ा सा अड़ रहा है ना है ना यस थोड़ा सा यू you नो know, ऐसे अड़ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं घूमती हूं थोड़ा सा रुकता है बट यार वो इंटरनेट है क्या कर सकते हैं थोड़ा सा बेटा मैंने दवाई दिया अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ हो जाएगा ओके ये होमवर्क दिया था यार करे कि नहीं किससे बातें करते हो तुम यस आई गेव यू होमवर्क आज होमवर्क चेक होगा आज की स्पेशल क्लास जो कि 7 पी पर है सब बच्चे एनरोल कर लें ऊपर मैंने लिंक पिन किया हुआ है कोड आपके लिए क्या रहेगा सीप लाइव रहेगा फटाफट से एनरोल कर लो होमवर्क करके आना थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ थोड़ा सा बेटा टाइम मैं आपको और दे रही हूँ ठीक चलिए आ जाइए वहां पर होमवर्क शेयर करने का ऑप्शन भी है डाउट सेक्शन में आप अपने होमवर्क की पिक्चर क्लिक करके डाल सकते हैं आई वुड बी रियली हैप्पी टू सी दैट यू फॉलो दीज क्लासेस अच्छे से ठीक है चलिए स्टार्ट करें बेटा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म थोड़ा सा मैंने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आपको कल बता दिया था लेट मी जस्ट कम बैक टू ओ ओके यस इस प्रोसेस पे आते हैं पहले हम बात करते हैं इसकी ठीक है यस सो व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग बेटा जी आप देख रहे हैं प्रोसेस को बड़ा ही ब्यूटीफुली मैंने कोशिश की है एक वीडियो की फॉर्म में आपको दिखाने की अदरवाइज यार बच्चों को समझ नहीं आता कि क्लॉट क्या होता है क्लॉट बेटा ये जाला होता है जो बन रहा है ना नेट बन रहा है जिसमें आपके आपके सेल्स फंस जाएंगे और अंदर से और ब्लड का लॉस नहीं हो पाएगा दैट मीन्स इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ वेसल और उस वेसल में इस तरीके का ब्रेक आता है ब्रेक आने की वजह से द ब्लड विल स्टार्ट लूजिंग फ्रॉम प्रॉब्लम इज कि ब्लड को लूज होना इसीलिए नहीं अलाउ कर सकते बिकॉज अगर ब्लड इस तरीके से बहता गया तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा इट कैन लीड टू डेथ एज वेल तो हमें किसी तरीके से इस जगह को ब्लॉक करना है इस वेसल को रिपेयर करना है तो सबसे पहली चीज बेटा जो भी सीक्वेंस होगा सो द सीक्वेंस फॉलो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज द वन जो हम आज पढ़ने वाले हैं अब ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है बेटा क्या है ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है एंड इट इज अ काइंड ऑफ हीमोस्टैटिक हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म इट इज द काइंड ऑफ हीमोस्टैटिक कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी जो हमारी बॉडी में खुद से होता है इसमें आपको कुछ नहीं करना थोड़े से आपको चोट लगी खून निकला आप देखोगे और कुछ टाइम में खून निकलना बंद हो जाएगा है ना विदाउट एनी पट्टी विदाउट एनी ड्रेसिंग क्यों क्योंकि बॉडी के अंदर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चले हैं वो सीरीज ऑफ रिएक्शन कौन सी रिएक्शन के अंदर आएंगे इन द मैकेजम ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग अच्छा कल मैंने आपको बताया था ब्लड क्लॉटिंग शुरू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है ये नेट बनने में थोड़ा वक्त लग सकता है तो उस वक्त के दौरान क्या होगा सबसे पहले बेटा जैसे ही चोट लगेगी आपका खून बहना शुरू होगा फर्स्ट थिंग हाँ जी कल बताया था बेटा सबसे पहली चीज क्या होगी आपकी ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाएगा यानी कि इट विल स्टार्ट शोइंग वैस्कुलर स्पाजम ठीक है अभी मैं आपको आगे दिखाती हूं Yes, सबसे पहले बेटा क्या होगा ब्लड वेसल का जो डायमीटर है बेटा वो कम हो गया ताकि कम ब्लड लूज हो सिंपल दैट इज वैस्कुलर वैसक ठीक दूसरे प्रोसेस में क्या होगा जब ब्लड वेसल ने अपना डायमीटर कम कर लिया आफ्टर दैट ऑल द प्लेटलेट्स विल कम सब प्लेटलेट्स आएंगे चलो यार थोड़ा बचाने के लिए चलते हैं वो होता नहीं हाँ भैया आना प्रॉब्लम में फंस गया हूं तो पूरा झुंड आ जाता है सारे दोस्त आ जाते हैं तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के सारे जितने भी दोस्त हैं ना सब आ जाएंगे ताकि वो उस जगह पर इस जगह पर बेटा प्लगिंग कर पाए सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे ठीक है ताकि ब्लड लॉस और ज्यादा कम हो जाए, प्लेटलेट प्लग प्लेटलेट प्लग बन जाएगा ठीक है क्या बन जाएगा प्लेटलेट प्लग बन बन बनने के बाद अब यार सिर्फ इससे तो बात नहीं बनेगी कितना समय तक चला लोगे तो टेम्पररी चीज है इसको तुम्हें परमानेंटली ठीक करना है परमानेंटली ठीक करने का मतलब है यू वॉन्ट कि ये पीछे बैकग्राउंड में जो वेसल है ना वो रिपेयर हो सेल्स डिवाइड करे उसको समय चाहिए तो यहां पर अब स्टार्ट होगा मैकेनिज्म नंबर थ्री विच इज कॉल्ड एज क्लॉट फॉर्मेशन क्लॉट क्या है क्लॉट बेटा इस तरीके का जाल है धागे का बना हुआ लाइक like दिस ये देखिए बेटा ये सारा आपका धागे का बना हुआ जाल है जिसके अंदर आपके सेल्स फंस जाते हैं ऑल द सेल्स दे विल गेट ट्रैप्ड इन दिस जब बेटा सेल फंस जाएंगे तो एक तरीके का इनसॉल्युबल सा यू you नो know, Uh, पपड़ी से नहीं जम जाती बेटा आपने देखा होगा वेरी ड्राई थिंग डू यू नो जब चोट लगती है ऊपर एक पपड़ी से जम जाती से, बोलते है बोलते हैं उसको बताइए याद आया बेटा लेट मी जस्ट ओपन इट ओवर हियर आपके कमेंट्स यहाँ फास्ट चलते हैं तो मैं देख सकती हूँ आसानी से हाँ जी बताइए जब चोट लगती है याद है कैसी पपड़ी बनती है ओहो यस oh. <laughs> yes. है ना तो पपड़ी वो क्लॉट पपड़ी इसीलिए जमी है ताकि नीचे तुम ठीक हो रहे हो नीचे आपकी जो स्किन में ब्रेक आया था वो ब्रेक हम फिर से रिपेयर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज बेटा क्लॉट ये जो आपने नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया है इस नेट लाइक स्ट्रक्चर में जब आपके सेल्स फंस जाएंगे तो वो बनेगा एक तरीके का क्लॉट और जब बेटा क्लॉट वहां पर रहता है तब नीचे नीचे आपकी वह सेल फिर से रिपेयर वर्क स्टार्ट करती है और आप फिर से क्या हो जाते हो नॉर्मल हो जाते हो ठीक है सो देर आर थ्री स्टेप्स एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पहला ब्लड वेसल का डायमीटर कम करना ताकि कम लॉस हो टर्म कभी भी आ जाए दिस इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल ओनली ठीक है ब्लड वेसल से रिलेटेड है दूसरा बेटा सबसे पहले प्लेटलेट आ जाएंगे बचाने के लिए जब तक क्लॉटिंग का रिएक्शन स्टार्ट होता है तब तक कुछ तो काम हो प्लेटलेट आ जाएंगे बेटा यहां पर ऐसे

बेटा आएगा आपका प्लेटलेट प्लग वाला रिएक्शन प्लेटलेट आकर चिपक जाएंगे फिर उसके बाद बेटा स्टार्ट होगा ब्लड क्लॉटिंग एज यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज हाउ क्लॉट इज फॉर्मड ब्यूटिफुली बेटा ब्यूटिफुली मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है आप यहां पर देखिए किस तरीके से एक खाई सी बना दी है मतलब रप्चर हुआ है। एंड द सेल्स आर कमिंग ट्स आर कमिंग एक आया दूसरा आया तीसरा आया एंड अल्टीमेटलीट प्लग बना लिया दूसरा स्टेप बता रही के बाद वाला प्लेटलेट्स टू दैट एरिया एंड दे है ये yes, दिख रहा है सब बच्चों को समझ आया प्लेटलेट प्लग कम ऑन कम ऑन नोच देंगे दोबारा दर्द हो जाएगी दोबारा दोबारा चोट लग जाएगी ठीक है तो इस तरीके से बेटा आपका प्लेटलेट प्लग बनता है अब प्लेटलेट प्लग जब बन गया तो बैकग्राउंड में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन अब ब्लड क्लॉटिंग रिएक्शन इन्वॉल्व टोटल थर्टीन प्रोटीन्स इसमें बेटा कितने प्रोटीन्स इन्वॉल्व है टोटल थर्टीन प्रोटीन ये मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग में ये दिस इज द लिस्ट ऑफ द प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग देख रहे हो बेटा स इट्स ए हिमोस्टैटिक मैकेनिज्म जो ब्लड लीकेज को प्रिवेंट करेगा एंड टोटल देर आर थर्टीन क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने हैं थर्टीन क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक है अब बेटा थर्टीन को कभी भी वन टू थ्री फोर ऐसे नहीं लिखना है नो no, ऐसे नहीं लिखना है बेटा जो नर्सरी में वन टू थ्री सीखी थी आपको इसको किसमें लिखना है दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखोगे बेटा इन रोमन न्यूमरल्स जैसे नंबर वन नंबर टू लिखना आता है ना जैसे आपकी क्लास में लिखा होता है क्लास कौन सी क्लास में पढ़ते हो टेंथ क्लास में पढ़ता हो तो टेंथ रिटर्न लाइक दिस ठीक है रोमन न्यूमरल्स में लिखोगे सो फैक्टर नंबर इज ओजन अब ध्यान देना बेटा जहां भी पीछे आ जाए ओजन ठीक है या फिर जहां भी स्टार्टिंग में आ जाए प्रो दैट मीन्स ये अभी फैक्टर क्या है इन एक्टिव फैक्टर है आप इस फैक्टर को क्या करेंगे एक्टिवेट करेंगे यानी कि आपके प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन इन एक्टिव फॉर्म्स यू हैव टू एक्टिवेट देम जैसे आप देखो फाइब्रिनोजन ओजन ओजन इन एक्टिव प्रो री इंपॉर्टेंट very, very, very कि ऐसा कौन सा आयन है जिसके बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती दैट इज गोइंग टू बी कैल्शियम आयन अगर तुम्हारे अंदर कैल्शियम चीन लिया जाए मतलब मैं कोई ऐसी चीज डाल दू जो सारे कैल्शियम को ब्लॉक करते कैल्शियम पकड़ के बैठ जाए और अगर तुम्हारी इंजरी हुई तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा इट विल कीप ऑन कमिंग आउट कमिंग आउट लीकेज होती जाएगी होती जाएगी तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट देन बेटा आपके पास आ जाएगा लेबाइल फैक्टर इसके बाद आ जाएगा स्टेबल फैक्टर देन फैक्टर नंबर सेवेंथ इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए उसके बाद आ जाएगा नाइन्थ वन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी स्टूअर्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है टेंथ वाला थ्रॉम्बोकाइनेस जिसको बोलेंगे देन आपके पास आ जाएगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी देन फैक्टर डी एंड लास्ट में आ जाएगा फाइब्रिन स्टेबिलाईजिंग फैक्टर तो टोटल आपके पास कितने फैक्टर्स हैं पता नहीं लैग क्यों ना समझ नहीं आ रहा रुक जा रही हूं आई एम स्टॉपिंग ओहो आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही ओहो पता नहीं क्या चाहता है यार ये लैग क्यों हो रहा है आई डोंट नो लेट मी जस्ट स्टॉप इट एंड स्टार्ट इट अगेन जब भी कुछ चीज ना आ रही हो ना आपसे भी कुछ ना आ रही हो तो एक सोल्यूशन होता है रिबूट. रिबूट होता है रीस्टार्ट सो आई एम रीस्टार्टिंग ओके रीस्टार्टिंग इन द सेंस आई स्टॉप द स्ट्रीम एंड देन आई स्टार्ट देन सी कितना चेंज आता है जस्ट अ सेकंड ओके नाउ टेल मी यार नाउ टेल मी दिख रहा नहीं बेटा आज ठंडी लग रही है आज गर्मी लग रही थी देख दौड़ जाते हो मतलब कैसे हो ना तुम मैम गई वैसे ही दौड़ जाएंगे है ना मुझे लग नहीं रहा आज हम हार्ट स्टार्ट कर पाएंगे जो जो तुम्हारी यू नो कंडीशन लग रही है यू डोंट वांट मी टू स्टार्ट हार्ट यार कौन दिल के बारे में नहीं पढ़ना चाहता तुम तो दिल के एक्सपर्ट हो हैं तुम तो दिल के एक्सपर्ट हो अब ठीक है मुझे लगता है नाउ इट्स फाइन आई डोंट थिंक देर इज एन लै आई मूविंग एन देर इज यू नो नथिंग इज प्रॉब्लमैटिक नाउ आई गेस सो ओके येस स्टार्ट करते बेटा सो देर आर थर्टीन टोटल क्लॉटिंग फैक्टर्स आउट ऑफ दीज बेटा वन टू थर्टीन मैंने लिखा है फैक्टर नंबर प्लीज नोट इट दैट फैक्टर नंबर थ्री एंड फैक्टर नंबर थर्टीन है ना ऐसे लिखेंगे ना फैक्टर नंबर थ्री थ्री कौन सा था पीछे देखिए थ्री वाला फैक्टर था बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन ठीक है फैक्टर नंबर थ्री एंड फैक्टर नंबर थर्टीन दैट इज फाइब्रिन फाइब्रेबिलाईजिंग फैक्टर दीज आर सिक्रीटेड बाय दीज आर सिक्रीटेड बाय प्लेटलेट्स ये किसने सिक्रीट किया बेटा प्लेटलेट्स ने सीक्रेट किया ठीक है बाकी के जो बचे हुए फैक्टर्स फैक्टर्स, हैं, रेस्ट ऑफ़ द मैं इसको डब्बे में डाल देती हूं। अब मुझे लगता है ठीक दिख रहा है है ना रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ़ कोर्स एक्सेप्ट कैल्शियम कैल्शियम तो बेटा तुम अपनी डाइट से ही लोगे एक्सेप्ट कैल्शियम आयन दीज आर सिक्रीटेड बाय लिवर ठीक है सो मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग दे आर बाय लिवर लेकिन उसमें से फैक्टर नंबर थ्री है और फैक्टर नंबर है वो कौन सिक्रीट कर रहा है दैट इज बाय द प्लेटलेट्स ये चीज आप याद रखेंगे और कैल्शियम आयन अब अपनी डाइट से लेते दे। हैं देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ एनसीआर वाला क्लॉटिंग फिर मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा डिटेल क्लॉटिंग तब आपको समझ आएगा यस फर्स्ट स्टार्टिंग विद द वाला क्लॉटिंग इसको मैं एनसीआरटी वाला ही बोलती हूँ ठीक है एन सी ई आर टी में जो क्लॉटिंग दी हुई है जिस पे सवाल आ जाते हैं बड़ा बेसिक क्लॉटिंग है दैट जब भी आपको इंजरी हुई वेन एवर देयर इज एनी काइंड ऑफ इंजरी एट दैट टाइम देयर इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर विच इज कॉल्ड एज थ्रोमो प्लास्टिन क्या रिलीज होगा थ्रोम्बो प्लास्टिन ठीक है थ्रोमोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बो काइनेस थ्रोम्बो काइनेज ये लिस्ट बेटा ये सीरीज आपको पता होना चाहिए थ्रोम्बोप्लास्टिन आया थ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट किया काइनेज एक तरीके का एंजाइम है विच इज गोइंग टू एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की वजह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होके क्या बना लेगा थ्रोम्बिन बना लेगा लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई थ्रोम्बिन विल अगेन एक्टिवेट फाइब्रिनोजन ठीक है किसको एक्टिवेट करेगा बेटा फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा इन टू इन फाइब्रिन ठीक है फाइब्रिनोजन है वो क्या है एक तरीके का सोल्यूबल प्रोटीन है फाइब्रिन जो है वो क्या है इनसोल्यूबल है देखो फाइब्रिन फाइबर धागा धागे बेटा इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ नेटवर्क ठीक है इस नेटवर्क में आपके ब्लड सेल्स दे आर गोइंग टू गेट ट्रैप और ये बन गई बेटा आपकी पपड़ी ठीक है इसको आप क्या बोलते हो क्लॉट बोलते हो या फिर क्या बोल सकते हो को ठीक है इट इज कॉल्ड एस क्लॉट और को यस समझ आ गया पता चल गया बेटा है अपना एनसीआरटी वाला प्रोसेस बिल्कुल सिंपल शांत सा प्रोसेस तुम्हें चोट लगी चोट लगने पे थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन आए ने थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट किया काइनेज ने बेटा प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिन ने से बना थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन ने बेटा फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करके फाइब्रिन बना लिया फाइब्रिन में जब ब्लड सेल ट्रैप होंगे आपका क्लॉट बन जाएगा इन सारे रिएक्शंस में वन ऑफ द को फैक्टर इज यूज दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम आयन सो हर जगह बेटा कैल्शियम इन्वॉल्व है बिना कैल्शियम के रिएक्शन नहीं हो सकती है इम्पॉर्टेंट आयन फॉर द ब्लड क्लॉटिंग इज कैल्शियम वाइल इम्पॉर्टेंट वाइटमिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज विटामिन के वाइटमिन के बेटा आपकी डाइट में वाइटामिन के प्रॉपर होना चाहिए तभी ब्लड प्रॉपरली क्लॉट होगा अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस प्रोसेस ठीक है यस yes. बेटा स्पेशल क्लास की रिकॉर्डिंग रहती है

है ना टिश्यू में दिक्कत आई टिश्यू से क्या रिलीज होंगे टिश्यू फैक्टर रिलीज होंगे एंड ये जो टिश्यू फैक्टर है देन अगेन वो ब्लड वेसल में जाएंगे एंड ना बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ठीक है एक्सट्रिन्सिक बाहर दिक्कत आई देन आपको बेटा दिक्कत इसमें भी आ सकती है ब्लड वेसल के अंदर ठीक है वेसल के जब अंदर प्रॉब्लम आती है वहां पर रप्चर होता है तब कौन सा पाथवे स्टार्ट होता है इंट्रेंसिक पाथवे चाहे एक्सट्रेंसिक हो तुम्हें टिश्यू रप्चर हो चाहे आपका एक्सट्रेंसिक पाथवे स्टार्ट हो अल्टीमेटली दोनों पाथवे कहां पर मिल जाते हैं थ्रोम्बोकाइनेस पर कहां पर मिल जाते हैं बेटा थ्रोम्बोकाइनेज पर और थ्रोम्बोकाइनेस के आगे यही रिएक्शन है तो इसके पहले थ्रोम्बोकाइनेज से पहले बेटा देर आर टू पाथवेज वन इज एक्सट्रिंजिक इफ द प्रॉब्लम इज इन टिश्यू तो टिश्यू फैक्टर रिलीज करेगी वन इज इंट्रिंजिक इंट्रिंजिक में बेटा प्लेटलेट ही सीधा फैक्टर रिलीज कर देते हैं फैक्टर नंबर थ्री ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड हाँ जी ये है आपका यस टिश्यू ट्रॉमा बेटा जो आप देख रहे हैं दिस इज एक्सट्रेंसिक पाथवे पाथवे डैमेज इज इन द टिश्यू ठीक है पहले टिश्यू फैक्टर रिलीज करेगा टिश्यू को ट्रॉमा हुआ टिश्यू ने टिश्यू फैक्टर रिलीज किया अल्टीमेटली इन्होंने फैक्टर नंबर टेन को क्या कर दिया एक्टिवेट कर दिया फैक्टर नंबर टेन कौन है बताइए बेटा कौन है फैक्टर नंबर टेन बताओ जल्दी बताओ यार जी थ्रोम्बोकाइनेज ही तो है वी ऑल वांट कि यार किसी तरीके से थ्रोम्बोकाइनेज बन जाए क्योंकि यहां से बाद वाला प्रोसेस सेम है ठीक है चाहे हो चाहे हो थ्रोम्बोकाइनेज बनना चाहिए यानी कि फैक्टर नंबर टेन बनना चाहिए ठीक है वो एक्टिवेट होना चाहिए तो जब टिश्यू में डैमेज हुआ तो आपका एक्सट्रेंसिक पाथवे स्टार्ट हुआ जिससे अल्टीमेटली आपने किसको एक्टिवेट कर लिया थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट कर लिया ठीक है बाकी अगर ब्लड में ट्रामा हो तो कौन सा पाथवे स्टार्ट होगा इंट्रिंसिक पाथवे ठीक है इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा एंड इस इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड के सेल्स को डैमेज हुआ यानी कि जो ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल है उसमें कोलाजन फाइबर एक्सपोज हुए अल्टीमेटली प्लेटलेट डैमेज हुए और यहां से भी आपने किसको एक्टिवेट कर लिया फैक्टर नंबर 10 को सो अल्टीमेटली यू वांट कि फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट होना चाहिए

स हु वॉन्ट्स टू वॉलंटियर हु वॉन्ट्स टू वॉलंटियर ओके यस हु वॉन्ट्स टू वॉलंटियर कौन चाहता है वॉल्टियर बनना हाँ जी तो अपने पास है लेट मी टेक वन पर्सन जुबिया ओके देर इज अ पर्सन विद द नेम जुबिया इन आवर क्लास ठीक है तो जुबिया का यार अपने ब्लड निकाला ठीक सुई घुसाई ब्लड निकाला ब्लड को डाल दिया बेटा टेस्ट ट्यूब में ये है बेटा हमारी जूबिया ब्लड, ठीक है ओके okay. ब्लड को अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ समय में क्या होगा देवी पार्टिकल्स दे आर गोइंग टू सेटल डाउन आरबीसी नीचे बैठ जाएंगे ऊपर व्हाइट पफी कोट बनेगा एंड अल्टीमेटली ऊपर क्या आ जाएंगे यस yes, यहां पर यू आर गोइंग टू सी नीचे आपके आरबीसी आ गए बीच में व्हाइट पफी कोट एंड यहां पर क्या आ जाएगा सिखाया था बेटा दिस इज गोइंग टू बी सिरम ठीक है क्योंकि आपके सारे जो क्लॉटिंग प्रोटीन थे प्लाज्मा में वो नीचे बैठ गए ठीक सिरम तक आपको पता है अब जुबिया का ब्लड मैं चाहती हूँ यार मुझे सिरम चाहिए ही नहीं आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस मुझे रिएक्शन करना ही नहीं है आई वॉन्ट कि जुबिया का ब्लड बिल्कुल एज इट इज रहे बिल्कुल भी क्लॉट ना हो देखो बॉडी के अंदर तो वी हैड शी हैड, हैड हेपरिन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी बॉडी के बाहर क्या है बॉडी के बाहर बेटा आप यहाँ पर क्या डालेंगे सिंथेटिक हेपरिन डालेंगे। क्या डालेंगे सिंथेटिक हेपरिन डालेंगे ताकि ब्लड क्लॉट ना हो ठीक है आपने क्या डाल दिया हेपरिन डाल दिया ताकि ब्लड क्लॉट ना हो ठीक चले ये केस आपको पता है कि जब भी हमने होल ब्लड के साथ कोई भी पैथोलॉजिकल टेस्ट करना है वी हैव टू यूज समथिंग विच इज एन एंटी बाय चांस बेटा तुम्हारे जैसा कोई लैब में कोई पर्सन था वहां पर काम कर रहा था सैंपल पे उसने गलती से हेपोरिन की जगह इसके अंदर क्या डाल दिया गलती से बेटा गलती तो हो जाती है इंसान है गलती तो हो ही सकती है गलती से बेटा उसने डाल दिया सोडियम ऑक्सलेट क्या डाल दिया बेटा सोडियम ऑक्सलेट क्या ये गलती कहलाएगी या फिर बिल्कुल सही है बाय चांस उसने सिंथेटिक डालना था उसके साथ एक और शीशी पड़ी थी किसकी सोडियम ऑक्सलेट की क्या ये बात सही है यस क्या ये चीज सही है बेटा अगर उसने सिंथेटिक हेपरिन डाला तो भी ब्लड क्लॉट नहीं करेगा अगर वो सोडियम ऑक्सिलेट डालेंगे सोडियम ऑक्सिलेट इज अ काइंड ऑफ यू नो एजेंट जो कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करेगा इट इज गोइंग टू प्रेसिपिटेट इट इज गोइंग टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम आयन, ठीक है कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करेगा अगर यहां पर कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो गया तो क्या ब्लड क्लॉट करेगा नहीं करेगा सो दैट मीन्स दिस ब्लड इज नॉट गोइंग टू क्लॉट फर्दर हम होल ब्लड पे काम कर सकते हैं सो so ऐसा कोई भी एजेंट जो कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर लेगा अगर कैल्शियम नहीं आया तो हम ये सारी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे वी वॉन्ट बी एबल टू डू दीज रिएक्शन और अगर ये रिएक्शन नहीं हुई तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा दैट इज वाई बेटा सोडियम ऑक्सीलेट इज यूज इन मेनी ब्लड बैंक जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो आप ये ब्लड बैंक में कभी ऐसा नहीं होता कि ब्लड को क्लॉट होने देंगे उसके अंदर वो कोई ना कोई ऐसा एंटीकोगुलेंट जरूर डाल के रखेंगे एंड

पहले एक आया एक ने दूसरे को बनाया दूसरे ने तीसरे को एक्टिवेट किया तीसरा बेटा चौथे को एक्टिवेट कर रहा है चौथा जाकर कोई काम कर रहा है यानी कि ये जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं ऑल द रिएक्शंस विच आर हैपनिंग दे आर लाइक दिस एक बना एक ने दूसरे को बनाया दूसरे ने बेटा तीसरे को एक्टिवेट किया तीसरे ने चौथे को एक्टिवेट किया चौथा बेटा इस तरीके से पांचवे को एक्टिवेट करेगा सो इट इज अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल वाटरफॉल ऐसे ही होता है देखे कभी कभी तो देखा होगा यार शिमला मसूरी एनी और नियर बाय टू योर प्लेस ठीक इस तरीके का वाटरफॉल होता है जिसमें स्टेप्स बने होते हैं और पानी बहरा होता है आप स्टेप्स में ध्यान दो पहले पानी आए फिर बेटा उठ के यहां पर आएगा आ जाएगा, ठीक है नीचे सो so, ये जो ब्लड क्लॉटिंग सारी रिएक्शन हैं, उसमें भी इस तरीके की एक्टिवेशन इन्वॉल्व है एंड इस वजह से इन सारी रिएक्शन को बोला जाता है कैसकेड रिएक्शन यस these reactions आर called एज cascade reactions. ठीक है तो ब्लड क्लॉटिंग का सारा प्रोसेस कैसा है कैस्केड रिएक्शन कैस्केड का मतलब ही क्या होता है कैस्केड का लिटरल मीनिंग है वॉटरफॉल कैस्केड का लिटरल मीनिंग क्या है बेटा जी वॉटर ओके चलिए विद दिस वी आर डन विद द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये सब ब्लड क्लॉटिंग है बेटा किस तरीके से एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है देख रहे हो

वहां पर इस तरीके से बेटा फाइबर्स बढ़ते जा रहे हैं ठीक है इन फाइबर्स में योर सेल्स विल विल गेट ट्रैप्ड एंड दिस फॉर्म अ अ क्लॉट और ठीक है यस बेटा चलिए बहुत बढ़िया ये मैंने एक्सट्रेंजिक पाथ पे और इंट्रिंसिक पाथ पे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता दिया है एक्सट्रेंसिक का क्या मतलब होता है चोट कहाँ पर है ट्रॉमा ट्रॉमा का मतलब होता है यार जैसे ट्रॉमा का मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताती हूँ अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना uh, जैसे देर इज एन देर इज अ ट्रामा सेंटर इन एम्स ट्रामा सेंटर क्या है जहां पर इमरजेंसी में एक्सीडेंट केसेस आते हैं कि ट्रॉमा हो गया ठीक है वैसे ही यहां पर ट्रॉमा दो जगह होगा अगर ट्रॉमा टिश्यू में है ठीक है इफ देयर इज ट्रॉमा इन द टिश्यू तो टिश्यू क्या रिलीज करेगा टिश्यू फैक्टर एंड अल्टीमेटली फिर अपने फैक्टर टेन तक पहुंच जाएंगे ठीक अगर ट्रोमा बेटा ब्लड के अंदर ही है देखो प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग ही है ब्लड वाले ब्लड के अंदर ही हो गया, तो इंट्रेंजिक नहीं होगा ठीक है तो ब्लड से बाहर हो रहा है एक्सट्रेंजिक पाथवे चलेगा ब्लड के अंदर ट्रोमा हो रहा है यानी कि ब्लड वेसल ही रप्चर हो गई ब्लड ब्लड वेसल में ही रहता है ठीक है तो जो पाथवे चलेगा इंट्रेंजिक चलेगा अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू एक्टिवेट फैक्टर नंबर टेन फैक्टर नंबर टेन बेटा आगे प्रोथ्रोम्बिनेस बनाकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाएगा थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बना देंगे एक बार यार सेशन को लाइक करके एंड चैट सेक्शन में फेवरेट इमोजी मुझे भेज के मुझे बता दो कि यार मुझे समझ आ गया यस कम ऑन गाइस टेल मी बता दो यार कैसे बताओगे तुम्हें पता यू नो दिस हाँ जी कम ऑन कम ऑन कैसे बताओगे फेवरेट टीमों जी नहीं पता होगी तो कैसे बताओगे यस yes. ओके okay. समझ आ गया हाँ क्योंकि अब बेटा दिल की बात करनी है नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द हार्ट है ना हार्ट के बारे में बात करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे प्रॉबेबली आज हम वैसे हार्ट का स्ट्रक्चर ही करेंगे हार्ट के प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे सो so दिल की बात करने के लिए तुम लोग वैसे रेडी तो मुझे लग ही रहे हो लेकिन दिल से पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास कितने तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे से पहले जिन वर्टिब्रेट्स का हार्ट था वो कितने चेंबर्स वाला था वहां पर क्या चीजें नहीं थी जो हमारे पास वो चीजें हैं ठीक चलिए आ जाते हैं टू आवर नेक्स्ट प्रोसेस ये मैंने क्लॉट ही दिखाया पपड़ी जम गई ये बेटा ठीक है और जब बेटा क्लॉट बन रहे बैकहेंड में एंड में बेटा विल पे मूविंग टू क्लॉट आपका बन गया ऐसा दिखता है एक्चुअल में क्लॉट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लॉट इफ यू डोंट नो यू शुड नो बेटा धागे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इनसॉलिबल फाइब्रेन में सेल्स ट्रैप हो जाएंगे और आपका क्लॉट बन जाएगा देख लीजिए. बहुत समय लगता है बेटा आपके लिए ये सब सर्च करने का यस इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड आई फील रियली हैप्पी जब मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए कि यार किसके बारे में हमने बात करनी है ठीक है किसके बारे में हमने बात करनी है ठीक दिस इज हाउ द क्लॉट इज फॉर्म प्लेटलेट्स आ रहे हैं ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस आप लोग बोल रहे थे ना थ्री डी सेशन थ्री डी सेशन तो ये भी एक तरीके का थ्री डी है मैं उनको तो वापस अभी नहीं ला पा रही हूँ जो हमारे सेशनस थे बट आई विल ट्राई कि मैं इस तरीके से आपको थोड़ा थ्री डी का व्यू दे पाऊँ वो वापस पता नहीं यार आएंगे कि नहीं वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट बट येस दिस इज द वे बाय विच आई वॉन्ट कि आप मैक्सिमम सीख पाए ओके चलिए स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हार्ट इज अ पार्ट ऑफ विथ सिस्टम ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम के बारे में बात करें देन वी हैव टू टाइप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टम ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम ठीक है एक सिस्टम क्या है ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम सुना हुआ है आपने एनिमल किंगडम में ठीक है ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम ठीक है वन इज बेटा जी कोल्ड एज ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम अदर वन इज कॉल्ड एज क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टम यस, दूसरे वाले का क्या नाम है बेटा क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम ठीक तो ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सिस्टम क्या है क्या ओपन सिस्टम के पास हार्ट नहीं है ओपन सिस्टम के पास हार्ट है सो दे डू हैव अ हार्ट क्या उनके पास वेसल्स नहीं है दे डू हैव वेसल्स एज वेल यानी कि इनके हार्ट में से भी क्या निकलती है आर्टरी निकलती है इनके हार्ट में से भी क्या निकलती है वेन निकलती है बट आगे कैपिलरी नहीं है यानी कि बेटा आर्टरी आगे इस तरीके से खुल गई एंड वेन आपकी यहाँ पर इस तरीके से खुल गई और यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे आपके टिश्यूज के सेल्स सो दीज आर द सेल्स so the blood which is coming from the arteries it is directly touching the cells of the body ठीक है यानी कि जो blood आ रहा है वो blood बेटा open space में आ रहा है and इस open space को आप क्या बोलते हो this is called as sinus ब्लड इज एक्चुअली रिलीज इन टू द साइनस उसी साइनस के अंदर बॉडी के सेल्स हैं एंड ब्लड इज टचिंग टचिंग डायरेक्टली ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी ठीक है ये देख लीजिए ब्लड बेटा हर सेल को टच कर रहा है या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं सारे जो सेल्स हैं ना वो ब्लड में नहा रहे हैं दे आर टेकिंग बाथ इन द ब्लड नहा नहीं आए थे तो बेटा यहाँ पर ब्लड के अंदर दे आर एक्चुअली टेकिंग बाथ सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम विच डू नॉट हैव कैपिलरी क्या नहीं है बेटा इसके पास कैपिलरीज़ दे आर एबसेंट एंड ब्लड कहाँ फ्लो करेगा साइनस में सो ब्लड एंटर्ज इन टू द ओपन स्पेस ओपन स्पेस इज कॉल्ड ए साइनस एंड जो आपके टिश्यूज हैं दे आर बेदिंग इन द ब्लड बेदिंग इन ब्लड सो so, इस टाइप के सिस्टम को आप क्या बोल देते हैं दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसी का दूसरा हिस्सा चलिए बनाते हैं यहां पर भी अपने पास हार्ट है तो हार्ट बना लो है सो वी हैव अ हार्ट ठीक है हमारे पास क्या है आर्टरीज है वी डू हैव वेन्स एज वेल सो हार्ट

टिश्यू के पास बेटा जो छोटी छोटी वाली ब्लड वेसल है कैपिलरीज वो भी प्रस्तुत होंगी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका मतलब है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिनके पास भी होगा उसका ब्लड कभी ओपन स्पेस में नहीं आएगा टिश्यू फ्लूड में ब्लड नहीं आएगा दिस व्हाइट कलर इज टिश्यू स्पेस टिश्यू स्पेस में कभी ब्लड नहीं आएगा अगर इस ब्लड में से आप कुछ भी सामान देना चाहते हो तो डिफ्यूज करो डिफ्यूजन से आएगा प्लाज्मा में से सामान डिफ्यूज होकर आएगा ब्लड विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी सेल्स दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड फ्लोज इन द क्लोज ट्यूब्स विच आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। ठीक है सो हेयर ब्लड फ्लोज इन क्लोज वेसल्स पहली चीज ये दूसरी चीज बेटा यहां पर कैपिलरीज होती हैं अगर कोई भी सामान तुम्हें सेल को देना है तो डिफ्यूजन से दे सकते हैं ठीक है यस yes. एग्जाम्पल बताओ हाँ जी ये तो तुम्हें पता चल गया कमिंग टू द एग्जाम्पल गाइस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या रहेगा ऑर्थ्रोपोडा ठीक है ऑर्थ्रोपोडा देन यू हैव गॉट मोलस्का ऑब्वियसली एक्सेप्ट सिफेलोपोड मोलस्क सिफेलोपोड को छोड़ के ठीक है तो ये एग्जाम्पल रहेंगे आपके ओपन uh, के देन यू हैव गोट लीचेस इन एनेडा उनके पास भी क्या होता है ओपन इधर आ जाइए क्लोज में हेयर द एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी एनेडा ठीक है फर्स्ट फाइलम टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज एनेडा एनेलेडा के बाद आ जाएंगे बेटा आपके सिफेलोपोर्ड मोलस्क सिफेलोपोर्ड मॉलस्क ऑफकोर्स बेटा एनालिडा एक्सेप्ट लीचेस क्योंकि लीचेस इधर आ जा रही हैं एंड यहां पर आ जाएंगे आपके वर्टी ब्रेटा ठीक है वर्टीबरेटा ओके सो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे पास कौन सा ये तो पता ही है ना तुमको वी ऑल हैव यस कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास वी ऑल हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हाउ मेनी चेंबर्स डू वी हैव फोर चेंबर्स इन आवर हार्ट बट सबका फोर चेंबर नहीं होता है अगर स्टार्ट करें हम वर्टी ब्रेक में फिशेज से फिशेज के हार्ट से स्टार्ट करते चलो यार इसका हार्ट देख ही लेते हैं ब्यूटिफुल सा हार्ट है इसका ओके येस दिस इज हाउ द हार्ट ऑफ फिश इज देख रहे हो हाउ मेनी चेंबर तुम कहोगे मैम आपने तो फोर चेंबर बना दिए बट एक्चुअल में देर आर ओनली टू चैम्बर कौन कौन से चेंबर है दिस इज द मेजर चेंबर ठीक है ये वाला एंड दिस इज द मेजर चेंबर तो मेन चेंबर्स कितने हैं बेटा फिश के पास दो ही हैं बाकी के जो मैंने बनाए हैं दिस वन दिस इज द एक्सेसरी एंड दिस इज द एक्सेसरी चेंबर एक्स्ट्रा चेंबर है तो एक्चुअल में फिश के पास कैसा हार्ट है फिश के पास बेटा टू चेंड हार्ट है ठीक है फिश के पास बेटा टू चेंबरड हार्ट है ओके इस टू चेंबरड में दिस चेंबर इज कॉल्ड एज द एट्रिया ठीक है एट्रिया दिस वन इज कॉल्ड एज द वेंट्रिकल वेंट्रिकल देन ये एक एक्सेसरी चेंबर है दिस एक्सेसरी चेंबर इज कॉल्ड एज साइनस विनोसस साइनस विनोसस एंड दिस वन इज कॉल्ड एज कोनास आर्टेरियोसस कोनास करते रहते हो इतना इंटरेस्टिंग हम हार्ट बना रहे हैं फिश का तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है तुमको क्या चाहिए मैम वो भाग गया उसको ब्लॉक कर दो तो, ये कर दो तो, बेटा मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी है और वैसे खैर मैं ब्लॉक करने का मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी को ब्लॉक करूं जिसको पढ़ना है बेटा फ्री क्लास है बिल्कुल पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं करते रहो है ना लीडर बोर्ड आज पता चल ही जाएगा कितने बजे तुम्हारा दूध का दूध पानी का पानी होना है 7 पीएम पर 7 पी पे इसी का ही टेस्ट है नहीं आता हो तो बेटा अपने आप ही फंस जाओगे तुम है ना अपने आप ही फंस जाओगे ओके okay. हाँ जी चलिए आ जाइए तो फिश में होता क्या प्लीज अंडरस्टैंड फिश की अगर मैं बात करूं तो फिश के ब्लड में देअर इज एंट्री ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बॉडी से आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री लिया ठीक है सबसे पहले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा साइनस विनोस के पास ठीक है साइनस विनोस से किसके पास गया एट्रिया के पास देन फ्रॉम एट्रिया इट विल एंटर एंट्र वेंट्रिकल वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस and from here your blood is going to enter into gills kiske paas jayega beta agla jo point hai jahan par blood ko rukna hai that is going to be gills gills kya karenge gills will perform the process of oxygenation कौन सा प्रोसेस करेंगे ऑक्सीजनेशन तो यहां से तुम्हें यह पता चल गया कि जो ब्लड हार्ट के अंदर था दैट ब्लड वॉज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा ब्लड था बेटा हार्ट के अंदर दैट ब्लड वॉज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है क्योंकि ऑक्सीजनेशन तो हार्ट के बाहर हो रही है ठीक है दैट इज वाई हार्ट ऑफ फिश इज कॉल्ड एज वीनस हार्ट क्या बोलते हैं बेटा इसके हार्ट को वीनस हार्ट ठीक है वीनस टर्म क्यों बोला है बिकॉज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेक्स एन एंट्री इंटू द हार्ट ऑफ द फिश बाकी का ब्लड नहीं जाता है ठीक अब गिल्स ने इसको ऑक्सीजनेट कर दिया ऑक्सीजनेट करने के बाद हम ये ब्लड किसको दे देंगे ठीक है इसको डिऑक्सीजनेट करेंगे एंड अल्टीमेटली इट विल अगेन एंटर इन टू द हार्ट ठीक है फिर से बेटा कैसा ब्लड करेंगे एंट्री इंटू द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यस क्या आपको फिश के वाली सर्कुलेशन समझ आई फिश में जो सर्कुलेशन हो रही है फिश में टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड था क्योंकि ऑक्सीजनेशन गिल्स ने करी थी टिश्यूज ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ किया ब्लड को बना दिया डिऑक्सीजनेटेड हार्ट के अंदर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है क्रॉस करता है अल्टीमेटली बाहर निकल के गिल्स उसको ऑक्सीजनेट करते हैं तो फिश के हार्ट के अंदर ब्लड कितनी बारी एंट्री लिया एक ही बारी तो लिया सिंपली डिऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर एंड एग्जिट सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन इस सर्कुलेशन को आप क्या बोलते हैं बेटा सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं यस yes, बेटा बता दो एक बार क्या आपको वीनस हार्ट और फिश की सिंगल सर्कुलेशन समझ आई फिश की सिंगल सर्कुलेशन समझ आई इट हैज गॉट टू चेंबर्ड हार्ट ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स एंड एक ही बारी एंट्री होती है ब्लड की तो इसीलिए क्या है ये सिंगल सर्कुलेशन बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ब्लड का यूनिडायरेक्शनल ठीक चलिए इसके बाद बात करते हैं रेस्ट टू क्लासेस वन इज एम्फेबिया एमफीबिया एंड अदर वन इज रेप्टाइल्स इसके डिटेल में तो नहीं जाएंगे बेटा बट वी शुड नो दैट देयर हार्ट हैज गॉट थ्री चेंबर्ड ठीक है इट हैज गॉट थ्री चेंबर्ड हार्ट कैसा हार्ट है बेटा इसके पास थ्री चैम्बर अब कौन कौन से थ्री चेंबर्स है वी शुड नो दिस यस फॉर एग्जाम्पल ये डब्बे वाला हार्ट है मेरा बेटा डब्बे वाला हार्ट बहुत फेमस है जो बच्चे मेरे से पहली बार बारी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि यार हम जो हार्ट है ना उसको इस तरीके से नहीं बनाते दिस इज नॉट आवर हार्ट नो आवर हार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ द डब्बा डब्बा इज अ रेक्टेंगल एंड उसमें हम ड्रॉ करते हैं कि कितने चेम्बर्स हैं सो टॉकिंग अबाउट एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स इट हैज गॉट थ्री चेंबर हार्ट कैसा हार्ट है थ्री चेंबर्ड दो अपर चेंबर है लोअर चेंबर वन है ठीक है और टॉकिंग अबाउट द साइड ऑफ द हार्ट ये जो अपनी साइड होती है जहां पर राइट हैंड है दिस इज लेफ्ट साइड जहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड है दिस इज गोइंग टू बी राइट साइड क्यों क्योंकि जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं कॉपी पे ड्रॉ करते हैं वी आर ड्रॉइंग अ पर्सन लाइक दिस यानी कि अगर आपके पेज पे ऐसे कोई लेट जाए इस तरीके से लेट जाए तो तुम उसका हार्ट ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा याद रखना है जहाँ तुम्हारा राइट right हैंड है वो हार्ट की लेफ्ट साइड है जहां आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके हार्ट की राइट right साइड है ठीक

सो इनके हार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है देअर इज मिक्सिंग देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है दिस इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन क्या हो रहा है मिक्सिंग हो रही है अब तुम खुद सोचो यार जिसके ब्लड में मिक्सिंग हो रही है मतलब जिसके चेंबर में मिक्सिंग हो रही है यही वेंट्रिकल ने आगे टिश्यूज को दे रहा है वो मिक्स्ड ब्लड दे रहा है कम एनर्जी बनेगी ना इनके पास क्या होगा कम एनर्जी बनेगी सो देयर इज गोइंग टू बी लेस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एनर्जी क्या होगी कम बनेगी एनर्जी कम बनेगी तब भी तो बेचारे अपना टेंपरेचर रेगुलेट नहीं कर पाते बाहर के हिसाब से टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे दैट इज वाई बेटा दीज ऑर्गेनिज्म दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म यही रीजन है कि ये कोल्ड ब्लडेड है बिकॉज दे हैव लेस एनर्जी वाई डू दे हैव लेस एनर्जी बिकॉज मिक्सड ब्लड फ्लो करता है इनकी बॉडी में ठीक है मिक्सड ब्लड बेटा फ्लो करता है बॉडी में येस yes, क्या ये चीज समझ आई क्या ये चीज सबको समझ आई दैट बॉडी सेल्स बॉडी टिश्यूज दे आर गोइंग टू रिसीव मिक्स ब्लड दैट इज वाई द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी एनर्जी फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी लेस एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है देयर इज एन एक्सेप्शन बायोलॉजी इज फिल्ड विद द एक्सेप्शन्स ठीक है एक्सेप्शन है बेटा हाँ जी क्या एक्सेप्शन है द एक्सेप्शन हेयर इज क्रोकोडाइल Crocodile. Crocodile के पास बेटा थ्री चेंबर्ड नहीं होता है क्रोकोडाइल के पास कितने हार्ट है फोर चेंड हार्ट है क्या है फोर चेंबर्ड हार्ट है बना दिया यार तुमने क्रोकोडाइल पूरी फैमिली बना दो क्रोकोडाइल की ठीक है हां जी रेप्टाइल्स दे हैव थ्री चेंबर्ड हार्ट एक्सेप्शन हेयर इज क्रोकोडाइल्स ओके आइस ठीक है ये yes. चले तो ये बात हो गई अपने एम्फीबिया की रेप्टाइल की एंड नाउ मूविंग ऑन टू बर्ड्स एंड मैमल्स नेक्स्ट आते हैं बेटा मैमल्स पे एंड बर्ड्स हां जी मैमल्स एंड बर्ड्स पहले इनका डब्बे वाला हार्ट देख लो यार दे हैव फोर चेंबर्ड हार्ट इनका जो हार्ट है वो कैसा है प्रॉपर डिवीजन है

कि इस साइड पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा कैसा डी ब्लड ठीक है एंड टॉकिंग अबाउट दिस हैव ऑक्सीजनेटेड तो यार इधर डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री लिया इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया दो अलग अलग साइड से एंट्री है दो अलग साइड से एग्जिट भी तो है दो अलग साइड से बेटा एग्जिट भी तो है तो यानी कि यहां पर जो सर्कुलेशन है वो दो सर्कुलेशन चल रही हैं। एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है एक बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है दैट इज वाई हेयर द सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्क्युलेशन क्या बोलते हैं बेटा सर्कुलेशन को डबल सर्क्युलेशन वाई बिकॉज द ब्लड इज एंटरिंग द हार्ट

इन कंप्लीट डबल सर्क्यूलेशन हांजी बताइए इज दिस क्लियर क्या आपको बेसिक अरेन्जमेंट uh, समझ आ गया कि वोटी ब्रेड का हार्ट किस तरीके के होता है फिशेज में देर इज टू चेम्बर्ड हार्ट एंड रिप्टाइल में थ्री चेम्बर्ड हार्ट बर्ड एंड मैमल्स में देर इज फोर चेंबर्ड हार्ट क्यों हमने उसकी सर्कुलेशन को सिंगल बोला देन इनकम्प्लीट डबल बोला एंड यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अब हम आएंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे आ जाइए सो so, ऐसा दिखता है यार स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा तो हुआ ये तुमने पहचानते हो तुम इसको है ना ऐसा दिखता है ये yes. हार्ट इज वेरी स्मॉल बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू द बॉडी साइज आपकी बॉडी इतनी बड़ी है और हार्ट क्या है नार्ट इज प्रे बेटा आपकी लंग्स थी सो दीज व लंग्स इफ यू रिमेंबर में थोड़ा सा दोबारा बना देती हूँ आपकी लेफ्ट लंग है विद द कार्डिक नॉच ये आपकी राइट right लंग है ठीक ये लेफ्ट लंग के अंदर बेटा ये जो कार्डिय नॉच है ना यहां पर प्रेजेंट है हार्ट ठीक है और ये जो स्पेस थी द स्पेस इज कॉल्ड एज बताइए बताइए फटाफट लंग्स के बीच की जो स्पेस है उस स्पेस का क्या नाम है उस स्पेस का नाम है बेटा मीडियास्टिनम सो द लोकेशन ऑफ हार्ट इज इन मीडियास्टिनम ठीक है हार्ट पर सिचुएटेड है बेटा मीडियास्टिनम में सिचुएटेड है एंड इट इज स्लाइटली लेफ्ट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टीक है लेफ्ट की तरफ टेड है ठीक है नेक्स्ट थिंग अब जब मैंने इस हार्ट को इस तरीके से देखा अभी मैं आपके वाला ही हार्ट बनाती हूँ जो ऐसा हार्ट तुम इमेजिन करते हो है ना ओके सो बेसिकली हार्ट इज ए काइंड ऑफ कोन कोन लाइक स्ट्रक्चर है द अपर पार्ट इज ब्रॉड यू कैन सी हर ये जो ऊपर का हिस्सा है बेटा वो ब्रॉड है नीचे का हिस्सा बहुत नैरो है ठीक है सो द ब्रॉड पार्ट ऑफ द कोन इज कॉल्ड एज आपको पता है ब्रॉड पार्ट को अपने क्या बोलते हैं बेस ठीक है दिस इज कॉल्ड एज बेस एंड द नैरो पार्ट ये जो नीचे एपिक्स है नैरो पार्ट एपेक्स। तो हार्ट का भी ऐसा है ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉड है उसको क्या बोल दोगे बेस बोल दोगे नीचे वाला हिस्सा क्या है आपका नैरो है इसको आप क्या बोल देंगे एपेक्स बोल देंगे जनरली क्या होता है कि हम सोचते हैं नीचे वाला बेस होता है बट अब बेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो नीचे हो बेस की डेफिनेशन वो है विच इज ब्रॉड द पार्ट विच इज ब्रॉड दैट इज कॉल्ड एज बेस पार्ट एंड द पार्ट विच इज नैरोट इज कॉल्ड एज द ए पार्ट ठीक है क्लियर है तो यार अपने हार्ट का भी इस तरीके से ही है लेट मी जस्ट रीड योर बेस एंड एपिक्स राइट ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑरिजिन ऑफ द हार्ट जैसे कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या था मीजोडर्मल था वैसे ही अपने हार्ट का ओरिजिन भी क्या है मीजो सो इट इज मीजो इन ओरिजिन दूसरी चीज वट इज द साइज ऑफ द हार्ट हार्ट बेटा आपकी बंद मुट्ठी के साइज क्या है खुली मुट्ठी है ये क्या है आपकी बंद मुट्ठी सो द साइज ऑफ द हार्ट इज इक्वल टू क्लेंच फिस्ट क्या साइज है बेटा फिस्ट होता है मुट्ठी बंद मुट्ठी के बराबर बेटा आपका हार्ट है अब सिंस यार ये हार्ट लंग्स के साथ प्रेजेंट है ठीक है तो जो चीज आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है वो हार्ट को भी करेगी सिंपल है ठीक है लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो पूरा पिंजरा बना लिया था जेल बना ली थी बेटा रिब्स ने ठीक है रिब केज वैसे ही द हार्ट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई रिब केज ठीक है टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन वन ऑफ द लेयर ऑफ द प्रोटेक्शन इज रिब केज ठीक है रिब केज अब अगर मैं हार्ट की वॉल्स के बारे में बात करूं हिस्टोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट ये मैं आपको अगली वाले में बताऊंगी सो हार्ट हैज गॉट थ्री ये आपका हार्ट है लेट मी जस्ट ड्रॉ इट कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा है कर लोगे हो पा रहा है हाँ, हो जाना चाहिए ओके टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ मिलेगी पीडीएफ वी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम दूसरी चीज इसी चैप्टर का यहाँ तक का टेस्ट होगा आज शाम को सात बजे क्लास मैंने पिन करा दी है जिसमें फाइव थर्टी वाली क्लास के भी क्वेश्चन आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया था कल उसके भी क्वेश्चन आएंगे सो so सेवन पी एम पर देअर इज गोइंग टू बी अ डाउट सेशन मैं वहाँ डाउट भी लेती हूँ आपके अगर कोई यूट्यूब से बन जाते हैं एंड वहां पर क्वेश्चन भी होते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द हार्ट दैट इज हार्ट वॉल ठीक चलिए मान लीजिए ये आपका हार्ट है सो दिस इज योर हार्ट ऐसे बना लेते हैं ओके द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट सबसे अंदर वाली लेयर ये जो रेड कलर की है ना मैं इसको भी यहाँ पर रेड कलर का बना लेती हूँ ठीक है मैंने इसी लेयर को यहां पर ड्रॉ किया है ठीक द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है बेटा एंडोकार्डियम कुछ नहीं है ये ब्लड वेसल की तरह सेल्स है ठीक है एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम से थोड़ा सा पीछे जाएंगे देन देयर इज वन वेरी थिक लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम तो यहां पे बेटा अगली लेयर आती है इसका क्या नाम है मायोकार्डियम मायो Myo यानी कि मस्कुलर लेयर हार्ट के अराउंड कौन सी मसल होंगी बताओ हाँ बेटा ले लिया आईफोन थर्टीन क्या भेज दूँ फोटो भेज दो तुम्हें लेके मिस्टर वकार अहमद बिल्कुल ले लिया तैयार है तैयार है बेटा उसी से उसी से कॉमेंट्स देख रही थी मैं हाँ ठीक है बताओ मैंने तो ले लिया तुम ले लो तुम डॉक्टर जब तक नहीं बनोगे कहाँ से लोगे हैं बिल्कुल सही कार्डियक मसल सो दिस लेयर सबसे अंदर वाली जो ब्लड के एक्चुअल कॉन्टैक्ट में है दिस इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम आई एम राइटिंग इट ह्योर एंडो कार्डियम यही लेयर बेटा ब्लड के कॉन्टैक्ट में होगी स्कोम सेल्स होंगे इसके पास दूसरे जो हमने लेयर के बारे में बात की दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम ठीक है दिस लेयर इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम अब मायोकार्डियम की इधर आ जाइए yes, ये कम टू दिस पोर्शन दिस इज द आउटर मोस्ट वन ये इनर है ये मिडल है देन आउटर वाले पे आ जाइए आउटर वाली बेटा पूरी लेयर क्या कहलाती है पेरिकार्डियम यानी कि यहां से लेकर यहां तक मैं जो भी बनाऊंगी वो क्या कहलाएगा पेरिकार्डियम। ठीक है अब पेरिकार्डियम में भी दो हिस्से हैं अंदर वाला पेरिकार्डियम इस कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम बाहर वाला इज कॉल्ड एज पेराइटल पेरिकार्डियम ठीक है तो इधर ध्यान दीजिए बेटा दो हिस्से बना लेते हैं सो दिस इज द अंदर वाला पेरिकार्डियम ओके कितना मजा आता है हां जी एंड दिस वन इज द आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम ओके लेट मी चूज सम न्यू कलर न्यू कलर ओवर हेयर हां जी तो ये है अपना आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम विच इज द पेराइटल पेरिकार्डियम ठीक एंड इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में बेटा देयर इज पेरिकार्डियल फ्लूइड इन दोनों के बीच में बेटा पेराइटल और विसरल के बीच में देयर इज अ फ्लूइड यस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस ये पूरा का पूरा क्या है ये पूरा का पूरा बेटा क्या है पेरिकार्डियम है ठीक है पेरिकार्डियम ये बेटा आपका बाहर वाला, वाला पार्ट जो है that is called as visceral pericardium. बाहर वाला जो है, इसको आप क्या बोलते हो पेराइटल पेरिकार्डियम दोनों विसरल और पेराइटल दे आर सेपरेटेड बाय दिस येलो कलर थिंग ये फ्लूड है बेटा कैविटी है कैविटी का नाम है पेरिकार्डियल कैविटी कैविटी के अंदर फ्लूड है जिसका नाम है पेरिकार्डियल यानी कि आपके हार्ट के बाहर एक फ्लूड भी प्रेजेंट है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है फ्रिक्शन को कम करता है वो फ्लूड का क्या नाम है पेरिकार्डियल फ्लूड सो दिस येलो कलर फ्लूड विच आई ड्रॉन दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूड यस बेटा क्या आपको समझ आया हार्ट की वॉल्स के अराउंड क्या अरेंजमेंट है हार्ट की जो वॉल्स हैं देर आर थ्री वॉल्स वन इज एंडोकार्डियम सबसे इनर मोस्ट देन यू हैव गॉट द मायोकार्डियम बीच वाली मस्कुलर लेयर कौन सी मसल्स होंगी इसके पास जो बच्चा बोल रहा था स्मूथ मसल वो बच्चा अपनी अपनी सीट पे खड़ा हो जाए क्योंकि हार्ट के पास स्मूथ मसल नहीं हार्ट के पास अपनी स्पेशल मसल है यार वो एक स्पेशल है वो अपना काम खुद करता है वो स्मूथ मसल पे डिपेंडेंट नहीं है वो कार्डियक मसल है उसके पास देन बाहर आएंगे तो पेरिकार्डियम बाहर वाली पेराइटल अंदर वाली विसरल बीच में फ्लूड कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूड यस ये बच्चे थोड़ा सा लेट चल रहे हैं मिस्टर कपिल प्लस में एक्सक्रीशन होने वाला है। कल या परसों में खत्म हो जाएगा तुम चल रहे हो बहुत लेट वहां पे हम एक्सक्रीशन कर चुके हैं 90% परसेंट ठीक है ओके okay, डन बेटा हार्ट की वॉल तो अब दिखा दूं तुमको यस सो दिस इज हाउ द हार्ट वॉल लुक्स लाइक द इनर वन एंडोकार्डियम बीच वाली सबसे मोटी बेटा सबसे मोटी मायोकार्डियम इट इज थिकेस्ट वन देन आ जाएंगे आप एपिकार्डियम पे जिसको मैंने पेरिकार्डियम बोला जिसमें आपके पास विसरल भी है और क्या है पेराइटल भी है ठीक है विसरल भी है, पेराइटल भी है अब एक चीज मुझे और बतानी थी आपको अगर आप इस पेरिकार्डियम को ध्यान से देखोगे ये वाला जो हिस्सा है दिस पोर्शन दिस इज फाइब्रस है ना दिस इज फाइब्रस पेरी कार्डियम. अगर मैं इधर वाले हिस्से की बात करूंगी दिस इज सीरस ठीक है सीरस है बेटा एक हिस्सा फाइबरस है एक हिस्सा क्या है आपका सीरस है तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक कहां गया अपना ओके दिस इज द फाइबरस पोर्शन ऑफ द पेरिकार्डियम एंड दिस इज द सीरस पोर्शन ऑफ द पेरिकार्डियम सीरस पोर्शन ठीक है तो पेरिकार्डियम का भी कुछ हिस्सा फाइबरस है एंड एक हिस्सा सीरस में भी आता है आप यहाँ देखिए और आपकी विसरल तो सारी क्या है सीरस के ही पार्ट है ठीक सो दिस इज अबाउट द हार्ट वॉल हार्ट वॉल के बारे में आपको क्या चीजें याद रखनी है कि कार्डियक मसल है अंदर एंडोकार्डियम है बाहर की तरफ पेरिकार्डियम है पेरिकार्डियम बेटा पेराइटल uh, और विसरल में डिवाइडेड है सेपरेटेड बाय द पेरिकार्डियल फ्लूड अगर मैं पेरिकार्डियम को इस नजरिए से देखूंगी यार फाइबर्स है या सीरस लेयर है तो फाइबरस भी है पेराइटल का हिस्सा एंड सीरस भी बेटा यहीं से स्टार्ट हो जाता है तो ये सारी चीजें आपकी हार्ट को कहीं ना कहीं क्या करती हैं प्रोटेक्ट करती हैं सो दिस इज हाउ योर हार्ट इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड क्लियर यस गाइस बता दो एक बार इतना समझ आ गया फाइब्रस लेयर पेरिकार्डियल का फंक्शन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बेटा सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है देन पेरिकार्डियल कैविटी है इधर विसरल लेयर है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या है पेरिकार्डियल फ्लूड है जो उसको प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे आपको और अच्छे दिखाई देगा जो मैंने बनाया है वही चीज़ है बेटा एंडोकार्डियम मायोकार्डियम एंड दिस इज पेरीकार्डियम पेरिकार्डियम का बाहर वाला हिस्सा फाइब्रस देन बेटा अंदर वाला हिस्सा क्या रहेगा आपका सीरस रहेगा ओके okay. एपी माओ एंडो माओ सबसे मोटा है दैट मीन्स इट कॉन्स्टिट्यूट नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द हार्ट वॉल एंड एंडोकार्डियम बेटा इट विद द विद्डोथिलियर लाइनिंग ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल अटैच टू द हार्ट यस हां जी बिल्कुल क्लियर है ओके नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा चेंबर्स ऑफ द हार्ट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अपर चेंबर्स विच आर कॉल्ड एज एट्रिया एंड देन टॉक अबाउट द लोअर चेंबर विच आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स अच्छा यार ये बताओ चेम्बर्स आज ही कर लें कि अभी तुम फिजिक्स की क्लास लगाना चाहते हो ठीक है हाँ जी आज ही कर लें कब करें मैं आपको जस्ट बेसिक्स बता देती हूँ आपके हार्ट के फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हार्ट आपके हार्ट को भी बेटा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है योर हार्ट ऑल्सो नीड्स फूड जैसे यू नीड फूड आपकी बॉडी चलाने के लिए हार्ट को भी बेटा फूड चाहिए यानी कि उसको भी ऑक्सीजन चाहिए हार्ट के लिए फूड क्या है ऑक्सीजन सो योर हार्ट नीड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड योर हार्ट ऑल्सो रिलीजेज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट मीन हार्ट एक ऑर्गन है उस ऑर्गन को भी क्या चाहिए सप्लाई चाहिए किसकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई चाहिए इसको ठीक है ऑक्सीजनेटेड बेटा ब्लड की सप्लाई चाहिए एंड हार्ट भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज करता है मतलब हार्ट को सप्लाई करने के लिए भी एक सर्कुलेशन चाहिए वैसे तो हार्ट सर्कुलेट करता है लेकिन हार्ट को सप्लाई करने के लिए भी अपने को सर्कुलेशन चाहिए दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज कॉरोनरी सर्कुलेशन कॉरोनरी बेटा ओके आई डोंट नो आज क्या है आज मुझे समझ नहीं आ रहा आज ये चाहते नहीं है कि यार हम हार्ट का डायग्राम बना लें चलो एनी वे कॉरोनरी सर्कुलेशन हो गया इसके बाद हम चेंबर्स के बारे में बात करेंगे आज नहीं कराऊंगी डोंट वरी डोंट वरी बेटा रोना नहीं ठीक है सो वी विल कवर दिस इन टमोरोज क्लास नो इश्यूज़ आज हमारे इंटरनेट ने हमें बहुत बहुत सारे धोखे दिए बट कोई बात नहीं एनी वे वी विल मीट अगेन एट फाइव थर्टी एंड वी विल सी कि यार आज ये कितना साथ देते हैं फाइव थर्टी वो बेटा फिल्म मिलने वाले हैं टर्म वन के लिए ठीक है बट सब बच्चे नीट वाले बच्चे भी उसको अटेंड करें क्योंकि उसमें मैं रिप्रोडक्शन करा रही हूँ जो कि आपके ट्वेल्थ क्लास का पोर्शन है आपको रिविजन में हेल्प होगी ठीक बाकी सेवन पीएम पर देअर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट मैंने क्लास पिन करा दी है प्लीज़ आप ये कोड यूज़ करके फटाफट एनरोल कर लो ताकि वो क्लास आपकी मिस ना हो जिसमें मैं डाउट्स लेती हूँ एंड साथ ही में इन सारी चीज़ों का टेस्ट होता है वहाँ पर लीडर बोर्ड भी आता है तो आज मुझे पता चल जाएगा सो दिस इज द रिजल्ट दैट अन अकेडमी हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑल इंडिया रैंक थ्री फिफ्टी नाइन टू थर्टी नाइन टू वन सिक्सटी फाइव अगला नंबर बेटा आपका है अगर आप अपना पोजीशन जानना चाहते हैं कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं देन इट इज इजेडमी रिवाइव आप ये टेस्ट डेफिनेटली दीजिए चिल्ड्रंस डे वाले दिन टेस्ट है आपका ठीक है फ्री टेस्ट है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ क्योंकि यहां पर आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग देखिएगी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये टेस्ट देते ही देते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट है बहुत अमेजिंग अमेजिंग स्कॉलरशिप है ठीक है आई भी आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं बेसिकली बेटा यू विल गेट एन आइडिया कि आपकी तैयारी कहाँ है बाकी बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं या फिर आप उनसे कितना अच्छा कर प्लस टॉप हंड्रेड स्टूडेंट्स को क्या मिलेगी मेंटोरशिप मिलेगी फ्रॉम द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी ठीक है बाकी बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं ड्रीम टीम बैच है सुपर जीवर बैच है जुबिनाइल बैच है मेधावी बैच है बेटा जो कि स्टार्ट हो रहा है थर्टीन ऑफ नवंबर से तो आप एनरोल कर सकते हैं इन सब बैचेस में पढ़ने का एक ही तरीका है यार यूज कोड सी प्लाई पता है ना

अकेडमी के थ्रू यूनिक हो रहा है विच इज डीपीबी सॉल्विंग थिंग एवरी डे थर्टी मिनट्स में थर्टी क्वेश्चन होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं स्टार्टिंग एट ऑफ नवंबर प्लस में एनरोल करने के लिए जाइए हमारी ऐप में आइकॉनिक या प्लस दोनों का ऑप्शन रहता है बट मैं कहती हूँ कि यार प्लस के सारे बेनिफिट्स लाइफ टेस्ट डी पी पी क्विजेस कंप्लीट सिलेबस अनलिमिटेड एक्सेस ये सब चीजें आपको आइकॉनिक में भी मिलती है एंड आइकॉनिक में इसके साथ आपको क्या मिलता है वन टू वन मिनटोरशिप बात करना एजुकेटर से बात करना अपने अकेले में डाउट्स पूछना येस तो इन दैट यू कैन एनरोल बेटा मेरे बैचेस जो है वो आइकॉनिक और प्लस दोनों में है कोड आपके लिए क्या रहेगा सी

ठीक है पीडीएफ में शेयर कर देती हूँ उसके लिए नो वरीज थोड़ा सा आज क्लास में हल्की सी डिस्टर्बेंस बट नेवर माइंड हम रुकने वाले नहीं है अगली क्लास में फिर से मिलेंगे और फिर से बेटा उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ठीक चलिए ओके गाइज बाय बाय एवरीवन टेक केयर